मैं अभी खड़ा हूँ द्रंग में फ्रोजन वाटरफॉल जो मेरे बैक साइड पे है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे अभी जन और फेब के दरमियान आपको ये फ्रोजन वाटरफॉल मिलेगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं इस जर्नी पे। डिफरेंट जर्नी होगी इस बार, तो चलिए। अभी मैं एक रेस्टोरेंट में खड़ा हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ है। फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ तो अभी आ रहा होगा। उसके साथ हम चल रहे हैं द्रंग। बहुत ही एक्साइटेड वीडियो होगा, वीडियो देखिए एंड तक, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो हमने सोचा कुछ साथ ले चले। तो मोमोज हमने लिए, बॉक्स में कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे ओपन करें, कैसे खाएं। फ्राइड है, फ्राइड है, फ्राइड मोमोज है क्योंकि आज फ्रेश ही लग रहे हैं। सुबह सुबह आई डोंट नो फ्राई फ्रेश होंगे, वैसे तो फ्रेश ही होंगे। ब्रेकफास्ट नहीं खाया किया है, टेस्टी भी है यार। ठीक है, पहला व्लॉग है जो मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ, मेरा पहला व्लॉग है। ठीक, तो एक्साइटेड हैं भाई आप? बहुत ज्यादा, और उससे ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं आपके साथ यार हम, मुझे तो लगता है 2007 के बाद हम सेकंड टाइम इकट्ठे जा रहे हैं। नहीं, और उस टाइम की मेमोरीज क्या जबरदस्त थी ना गोवा में, याद है क्या हादसा हुआ था? चलो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारे चीजें हुए हैं हमारे साथ एक साथ पढ़े हैं जी, बिल्कुल बहुत सारे चीजें हुए हैं, बहुत बार गए हैं एक साथ। उसके बाद आफ्टर कितने सालों के बाद, आई थिंक सिंस 2013 इयर्स, 13 इयर्स, आफ्टर 13 इयर्स हम फिर से एक साथ आए हैं। सो वी मीट क्वाइट ऑफन हियर एंड देयर, पर ट्रिप पर पहली बार जा रहे हैं, ट्रिप पर पहली बार जा रहे हैं, बिल्कुल। चलें, चलिए आज आपके साथ देखते हैं, इंशाल्लाह फॉर रहमान अच्छा ही मजा आएगा। इंशाल्लाह ब्रो, यू आर ऑलवेज फन। पहुंचे हैं यहाँ, हमने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लें, चाय पिए और अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं जो भी पहुंच रहा होगा। उसने बोला 10-15 मिनट लगेंगे, जो हमें गाइड करेगा यहाँ पे द्रंग की ओर लेने में। बहुत ही अच्छी जगह है, वीडियो पे बने रहें एंड तक देखें, और मैं दिखा देता हूँ आपको स्नोफॉल, सॉरी क्या, फ्रोजन वाटरफॉल हम देख रहे हैं। समर्स में एक बार गया हूँ बहुत टाइम पहले, आज विंटर्स में पहली बार कड़ाके की सर्दी में जा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा रहेगा। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और मेरे साथ यहाँ पे बसीर भी है। हाँ, वी आर एक्साइटेड, हमारे सब गियर्स जो है यहाँ पे रेडी है, देखते हैं बस। मैं खड़ा हूँ टंगमर्ग के मार्केट में, यहाँ से ये जो रास्ता है द्रंग की ओर जाता है, 3 किलोमीटर का रास्ता है और फिर हम वाटरफॉल के पास पहुंचेंगे। गाड़ी हमने यहाँ पार्किंग में रखी क्योंकि सड़क बहुत स्लिपरी है, तो इसीलिए अगर कोई भी यहाँ आना चाहता हो विंटर्स में, गाड़ी पार्क करके टंगमर्ग में रखें। यहाँ से बाई ट्रैक भी जा सकते हैं या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में भी जा सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर टेकिंग वॉक अंटिल आवर फ्रेंड कम। द्रंग जाते हुए रास्ते में हमें ये एक ग्लेशियर टाइप का मिला, सोचा अपने व्यूअर्स को दिखाते चले हैं। अभी विंटर्स में ये आपको देखने को मिलेगा, समर्स में तो नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में सारा ग्लेशियर टाइप का बना हुआ है,
It really grabs the intention. बहुत ही हसीन नजारा है यहाँ से. जब भी यहाँ आए विंटर्स में यहाँ देख के चले, बहुत ही अच्छा नज़ारा है. तो आपको बिल्कुल एक दूसरा ही एहसास मिलेगा कि सच में कश्मीर जन्नत है. कैसा नज़ारा है यहाँ पे, बर्फ ही बर्फ हर जगह से. रास्ते में जैसे देख रहे हैं, मेरा और एक फ्रेंड jalibvlogs और हमारा फ्रेंड भी हमें मिल चुका है. तनवीर भाई, तनवीर भाई का हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिस हिसाब से चला रहे हैं गाड़ी. ये हमारे Hawkviewtravels के ड्राइवर जितने भी गुलमर्ग एरिया में चलते हैं ना जी, ये उनके टीम लीडर है. Hawkviewtravels यहाँ पे हमें गाइड कर रहे हैं, स्पॉन्सर भी किया है इन्हीं ने ट्रिप, तो इनकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे. तो जब भी कभी कहीं जाना हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रेफर कीजिए. कितने बजे से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? 9 बजे सुबह. 9 बजे से यहाँ पे ये बाइक खड़ा है और काम कर रहा है ताकि यहाँ से कोई भी गाड़ी पास हो जाए, नहीं तो यहाँ पे अभी इस टाइम पे नामुमकिन है कोई भी गाड़ी पास हो जाए. ये इन भाई लोगों की वजह से है यहाँ पे भी काम कर रहे हैं. देखिए कैसे ये बर्फ उठा रहे हैं ताकि एक्सेस कर पाए, यहाँ से हम गाड़ियाँ ले पाए टूरिस्ट पे और आम शहरी भी यहाँ पे आ सके. पहुँचे हैं अभी Drung पहुँचे हैं हम. तो मेरे पीछे जैसे कि आप देख रहे होंगे ये है वो फ्रोजन वाटरफॉल, आधा जमा हुआ है आधा बह रहा है. बहुत ही हसीन नज़ारा है, आइए आपको दिखाता हूँ मैं. आप Oh, oh, oh.
सलाम संभाल के। और ये हमारे साथ हमारे फ्रेंड जिन्हें हमें यहाँ तक पहुँचाया हॉकव्यू ट्रेवल्स, क्रेडिट जाता है हॉकव्यू दुलकर मैम, द ट्रेवल वी कैन ट्रस्ट एंड बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट वी आर हियर, इसी ट्रस्ट की वजह से हम यहाँ पे हैं। जैसा कि आपने देखा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही मज़ा आया यार इस व्लॉग बनाते वक्त। अपनी लाइफ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया है। होप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।